आदिम समाज पार्टी उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष माननीय शिव पूजन कौल जी के नेतृत्व में नारीबाड़ी क्षेत्र में सोसाइटी के पास संगोष्ठी कार्यक्रम रखा गया। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य उत्तर प्रदेश में कौल आदिवासी जाति को जनजाति में शामिल करना है। 29 अगस्त से 5 सितंबर तक आदिम समाज पार्टी के द्वारा पैदल पदयात्रा का कार्यक्रम शिवराजपुर से कुराव तक रखा गया है। प्रदेश अध्यक्ष माननीय शिव पूजन कौल के द्वारा अपील किया गया कि कौल आदिवासी समाज 29 अगस्त को होने वाली पदयात्रा में बढ़ चढ़ कर भाग ले और आज के चौपाल कार्यक्रम में उपस्थित रहे। डॉक्टर विजय स्कूल प्रदेश प्रवक्ता संगठन मंत्री रमेश को भाई लाल कौल प्रभारी चित्रकूट आदिवासी अधिकार मंच के प्रदेश अध्यक्ष शिवांगु कौल के साथ साथ सैकड़ों कार्यकर्ता उपस्थित रहे। प्रयाग एक्सप्रेस न्यूज के लिए शैलेश कुमार द्विवेदी की खास रिपोर्ट। आदिम समाज पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आदिम समाज पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। विपूजन भैया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। विपूजन भैया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आज जो आपने आदिम समाज पार्टी का आज आपने संगोष्ठी रखा था, तो इसमें क्या तात्पर्य है आपका, इसमें क्या कहना है? आज का जो आदिम समाज पार्टी के तत्वावधान में जो कार्यक्रम किया गया है जन जागरूकता चौपाल, तो हमारा मिशन है कि उत्तर प्रदेश में आदिवासियों को जनजाति की सूची में शामिल करने का, और इसकी लड़ाई हम लोग निरंतर लड़ेंगे। तो अभी आपका मेन मुख्य उद्देश्य मतलब ये था कि जनजाति को सूची में शामिल करने के लिए, आगे आप क्या कर मतलब इसमें क्या क्या अभी आप क्या सोचे हैं, क्या क्या करने के लिए इसके लिए? तो छोटा सा कार्यक्रम था जन जागरूकता चौपाल, अब 29 अगस्त से शंकरगढ़ के शिवराजपुर जगह से कोराव तक पैदल यात्रा जनजाति अधिकार यात्रा निकालेंगे, और हमने उत्तर प्रदेश के समस्त आदिवासी संगठनों से आदिवासी अधिकार मंच से और आदिम समाज पार्टी के नेतृत्व से जनजाति अधिकार पद यात्रा निकालेंगे कोराव तक। क्या नाम है आपका? मैं शिव पूजन कौल, आदिम समाज पार्टी प्रदेश अध्यक्ष जी। आप क्या कहना चाहते हैं, जो आज ये पार्टी हुई संगठन हुआ आदिम समाज पार्टी के, जो संगठन हुआ आज नारीबाड़ी क्षेत्र में, उसमें आज आप क्या कहना चाहते हैं? आज जो ये कार्यक्रम रखा गया था आदिम समाज पार्टी एवं आदिवासी अधिकार मंच के तत्वावधान में कार्यक्रम रखा गया था, और इस कार्यक्रम का जो मुख्य उद्देश्य आज जनजाति जो उत्तर प्रदेश में कौल जाति जो वर्षों से सदियों से यहाँ पर रह रहे हैं, लेकिन उनको जनजाति श्रेणी में नहीं रखा गया है, आज उसी के लिए संगोष्ठी रखी गई थी, चौपाल कार्यक्रम रखा गया था कि 29 तारीख से पूरे उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के जितने भी आदिवासी समाज के जो लोग हैं 29 तारीख से शिवराजपुर से लेकर कुराव तक एक यात्रा निकाली जा रही है, जिसमें आदिवासी अधिकार मंच और आदिम समाज पार्टी और तमाम बड़े संगठन जितने भी हैं सब लोग शरीक हो रहे हैं, और जितने भी समस्त आदिवासी समाज इसमें शरीक हो रहा है, और मीडिया के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ कि समूचे जितने भी हमारे साथी सुन रहे हैं देख रहे हैं वो भी 29 तारीख से कार्यक्रम में ज़्यादा से ज़्यादा। क्या नाम है आपका? शिवांशु कुल, प्रदेश अध्यक्ष आदिवासी अधिकार मंच।